Very good morning. BSc Part 1st Maharajanganj University Mathematics के first paper algebra की study हम इस video series में कर रहे हैं. मैं Dr. शशिकांत Government Dugar College बीकानेर से हूँ. पिछले video के अंदर हमने नॉर्मल सब ग्रुप की चर्चा कर रहे थे और नॉर्मल सब ग्रुप के बाद में क्वेश्चेंट ग्रुप भी हमने पढ़ लिया था. आज हम एक ग्रुप से रिलेटेड एक और टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज द परमुटेशन या कर्म से. तो परमुटेशन क्या होगा? अगर एस अपने पास एक सेट है, एफ उसके ऊपर एक फंक्शन डिफाइंड है जो एस से एस के अंदर है, एफ 1-1 है, कहेंगे एफ एक ही है, एफ आच्छादक है मीन्स ऑन टू भी है, तो एफ समुच्चय एस पर एक कर्म से है. तो हमने कर्म से क्या परिभाषित किया कि एस के ऊपर एक फंक्शन परिभाषित करते हैं जिसमें इमेज भी वापस एस में ही आ रही है और जो फंक्शन है वो फंक्शन 1-1 और ऑन टू है, एक ही आच्छादक है, तो उस केस में उस फलन को ही हम एक कर्म से का नाम देते हैं. और जब कर्म से का नाम देते हैं तो उसको लिखने का हमारा एक तरीका है कि अगर सपोज कीजिए कि ए के अंदर ये एलिमेंट है, आपके पास एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, एक टी है, और एफ अगर एक कर्म से है तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, एक्स वाई जेड टी, एक्स के नीचे इस एक्स की इमेज, वाई के नीचे इस वाई एलिमेंट की इमेज, जेड के नीचे इस जेड एलिमेंट की इमेज, और टी के नीचे इस टी एलिमेंट की इमेज. तो ये कर्म से लिखने का एक तरीका रहेगा कि एफ को अगर लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, ऊपर अपने सेट ए के सारे एलिमेंट आएंगे और नीचे उसके इमेजेस लिखी जाएगी. अब इस प्रकार एक एग्जांपल लेते हैं अपन. मान लीजिए अपने पास जी एक ग्रुप है और उस ग्रुप के ऊपर एक फलन परिभाषित करते हैं अपन. जी एक समूह ले रहे हैं और एफ एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं मैं जी टू इटसेल्फ, और इस तरह से डिफाइन कर रहा हूं कि अगर ए जी के अंदर है तब जो एफ ए जो फलन परिभाषित कर रहा हूं, सॉरी ए इज ए फिक्स एलिमेंट, ए इसका फिक्स एलिमेंट है, ए ए बिलोंग्स टू जी, तब इस ए से परिभाषित कर रहे हैं एफ ए जी से जी में इस प्रकार है कि एफ ए ऑफ एक्स का मान ए एक्स दे रहे हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, मीन्स वाई की इमेज ए वाई, जेड की इमेज ए जेड. क्या ये फलन एक कर्म से है? क्या ये चेक करते हैं? तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये एक फलन है क्या, सुपरिभाषित फलन है या नहीं है. तो यहां पर आप कह रहे हैं जी है, इसका एक फिक्स एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी वापस जी ले रहे हैं. एक्स की इमेज दिस इज आवर एफ ए, तो एक्स की इमेज हम कह रहे हैं ए एक्स है, वाई की इमेज ए वाई है, जेड की इमेज ए जेड है, इस तरह से ये इमेजेस दे रहे हैं. तो क्या ये कर्म से है क्या, ये चेक करना है आपको. तो पहली बात तो क्या ए एक्स वापस जी में आएगा या नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि ए आपका जी का एलिमेंट है, फिक्स एलिमेंट है, एक्स भी जी का एलिमेंट है, तो इसलिए एक्स भी जी में रहेगा, ए वाई भी जी में रहेगा, ए जेड भी, इसका मतलब एफ ए क्लियर है कि जी से जी में
परिभाषित होगा इस डेफिनेशन के अनुसार। अब ये वन वन है क्या? ठीक है, फलन है, क्या ये एककी है? तो मान लेते हैं कि दो एलिमेंट की इमेज बराबर है, जहां एक्स और वाई आपके जी के एलिमेंट। अगर दोनों एलिमेंट की इमेज बराबर है, लेकिन एफ एक्स का मान तो ए एक्स है, इसका मान ए वाई। ए भी जी का एलिमेंट है, एक्स भी जी का एलिमेंट है, निरीक्षण का नियम लागू होगा, एक्स बराबर वाई। तो अगर दो अवयवों की इमेज समान है तो दोनों अवयव भी समान है, इसका मतलब वन वन है। ऑन टू की बात करें अपन, कि अगर कोई भी एक्स जी में है किसी भी तरह का, तो उस केस के अंदर ए इनवर्स एक्स भी जी में होगा। नोट देयर एग्जिस्ट, ये ऐसा होगा, क्योंकि अगर ए जी में है तो ए इनवर्स भी तो जी में ही है। ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट है, एक्स भी जी का एलिमेंट है, इसलिए ए इनवर्स एक्स भी जी में आना पड़ेगा। और इस एलिमेंट की अगर मैं इमेज देखूं, तो इस एलिमेंट की इमेज बनेगी ए ऑफ ए इनवर्स एक्स, दिस इज ए ए इनवर्स एक्स एंड दिस इज ई एक्स, दिस इज नथिंग बट एक्स। मतलब एक्स अगर जी का कोई भी एलिमेंट उठाता हूं मैं, तो उस x के लिए a इनवर्स x उसका पूर्व प्रतिबिंब है, प्री इमेज है। इसका मतलब हमारा फलन आच्छादक है। तो जब फलन अपना एक की है, आच्छादक है, इस तरह से परिभाषित होने वाला कि f ऑफ e x इक्वल टू e x, तो ये f a इस समूह g के ऊपर एक क्रम से है। इस f a की जगह अपन f b लूं मैं, अगर कोई b कोई दूसरा फिक्स एलिमेंट बनूं और फलन इसी तरह से परिभाषित करो कि एफ बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, एफ सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। तो ये जो एफ ए एफ बी एफ सी, ये कई सारे फलन हो गए जो जी से जी पर परिभाषित है, जो एक की है और आच्छादक है, तो ये सारे के सारे कर्मचय हो गए। हमें इन कर्मचयों की स्टडी करनी है, इन फलनों की स्टडी करनी है। तो जो अब यहां हम सेट कंसीडर करेंगे, वो सेट के अंदर जो अवयव होंगे, जो मेंबर होंगे, वो मेंबर अपने आप में फलन होंगे, जैसे एफ ए एफ बी एफ सी, इस प्रकार परिभाषित होना। जितने भी कर्मचयों का सेट ले लिया आपने जी पर, तो ये आपके पास कर्मचयों का सेट हो गया। तो किसी सेट के ऊपर कुल कितने कर्मचय परिभाषित किए जा सकते हैं, ये बात आएगी। और जो कर्मचय परिभाषित कर रहे हैं, क्या उनका जो समुच्चय बना वो किसी संक्रिया के लिए, क्योंकि हम हर चीज को ग्रुप के एंगल से देखते हैं, बाइनरी ऑपरेशन एंगल से देखते हैं, तो यहाँ पर भी देखेंगे कि ये जो कर्मचय हैं, इन कर्मचयों के आपस में ऑपरेट किया जा सकता है क्या कभी? तो हमने देखा कि कर्मचय वास्तव में फलन ही है, और फलनों को ऑपरेट करना हमें पहले से आता है। फलनों का संयुक्त या कंपोजिट ऑफ फंक्शन से अपन फलनों को ऑपरेट कर किया जा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ बाइनरी ऑपरेशन भी डिफाइन किया जा सकता है, और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया जा सकता है तो क्या ये ग्रुप होगा क्या, अपन ये चेक करेंगे। तो चलिए पहले अपन अभी कर्मचय के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं, कि जैसे मान लीजिए कर्मचय को लिखने का तरीका बारे में फेमिलियर हो जाए, और मान लीजिए सेट मेरे पास ये ए है, एंड दिस सेट हैज एलिमेंट एक्स वाई जेड, इट हैज थ्री एलिमेंट्स। इस पर कुल कितने कर्मचय परिभाषित किया जा सकते हैं, कौन कौन से कर्मचय रहेंगे? तो हमें यहाँ पर फलन परिभाषित करने हैं एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड के ऊपर, और वह फलन परिभाषित करने हैं जो एक की हो आच्छादक की हो। तो जैसे एक ही फलन परिभाषित करता हूँ एक्स वाई जेड, इसकी इमेज ये दे दी, इसकी इमेज ये दे दी, इसकी इमेज। दूसरा फलन परिभाषित करता हूँ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स की इमेज वाई, वाई की इमेज जेड, जेड की इमेज एक्स। तीसरा फलन परिभाषित करता हूँ मैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स की इमेज जेड दे देता हूँ, वाई की इमेज में पहले जेड आई थी अब एक्स दे देता हूँ, और जेड की इमेज वाई दे देता हूँ। चौथा फलन एक्स वाई जेड, एक्स की इमेज एक्स दे देता हूँ, एक्स वाई जेड,
y को फिक्स रख लेता हूं इस बार, z को फिक्स रख लेता हूं। तो इस तरह से ये कुल छह क्रम चाहिए। इसके अलावा और कोई फलन आप परिभाषित नहीं कर सकते इन तीन अवयवों के समुच्चय से इसी सेट के अंदर। यहां भी ये a है, यहां भी a है, तो a से a में अपन परिभाषित कर रहे हैं। ये जो क्रमचय है, इस क्रमचय को आप लिखेंगे ऊपर x y z, नीचे भी x y z। तो इसको अपन देख रहे हैं कि हर एलिमेंट की इमेज वो खुद आ रहा है, तो इस क्रमचय का नाम अपन आई ए देंगे। ये जो क्रम से है, यहाँ पर x, y, z, x की इमेज y है, y की z है और z की x है, तो ये आपका दूसरा क्रम से आ गया। तीसरा क्रम से अपने पास आया x, y, z, x की इमेज में z है, y की इमेज x है और z की इमेज y है। तीन क्रमचय और भी प्राप्त हुए यहां पर, x, y, z, x की इमेज x रखी, इन दोनों की इमेज आपस में बदल दी, x, y, z, y की इमेज y रखी, इनकी इमेज बदल दी, यहां पर x, y एंड z, z की इमेज z रखी और ये दोनों इमेज आ गई। तो ये टोटल छह ही तरह से आप इस a से a में फलन परिभाषित कर सकते हो कि आपका जो फलन है वो एक के भी रहे और आच्छादक भी रहे, मतलब हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज आए, कोई भी दो एलिमेंट की इमेज सेम भी नहीं आए और कोई एलिमेंट इधर खाली भी नहीं रहे कि जिसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं हो। तो ये हमारे पास कुल छह क्रमचय इस ए के ऊपर परिभाषित किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्रमचय हैं, इनको बार बार पढ़ेंगे। ये जो तीन क्रमचय हैं आगे देखेंगे, ये अलग टाइप के क्रमचय कहलाएंगे, और ये जो आगे वाले क्रमचय हैं तीन क्रमचय, ये सेट अलग टाइप के क्रमचय कहलाएंगे। इनको हम इवन परमुटेशन कहेंगे, इनको अपन ओड परमुटेशन कहेंगे। क्यों कहेंगे, उनकी डेफिनेशन अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी तो सिर्फ ये चर्चा कर रहे थे कि किसी सेट के ऊपर कुल कितने क्रमचय परिभाषित किए जा सकते हैं। तो कर्म से परिभाषित करने का तरीका ये क्या कि हमें फलन परिभाषित करना है x, y, z से। अब x के नीचे अपन कितनी तरह से इमेज लिख सकते हैं, तो अपन तीन तरह से इमेज लिख सकते हैं। y के नीचे कितनी तरह से लिख सकते हैं, दो तरह से इमेज लिख सकते हैं बाद में। और z की इमेज कितनी तरह से बना सकते हैं आप, इन्हीं में से इमेज बनानी है तो 3×2×1=6 फैक्टोरियल 6। तो टोटल नंबर ऑफ क्रमचय अगर s के अंदर, s एक सेट है जिसके अंदर अगर n एलिमेंट है, तो कुल क्रमचय फैक्टोरियल n रहेंगे। पहले भी पढ़ा है अपन ने 12वीं 11वीं के अंदर फैक्टोरियल n को अपन क्रमचय की स्टडी संचय और क्रमचय पढ़ते थे, तब यूज किया हुआ इस चीज को। तो ये अपने क्रमचय लिखने का तरीका रहेगा कि ऊपर सेट का एलिमेंट आएगा s के सिस्टम में है जिससे ऑर्डर में जैसे लिखे हुए, और उनके नीचे उनकी इमेजेस लिख देंगे। तो जिसे मैं इसका आई ए दे दूँ, इसका नाम मैं अल्फा दे देता हूँ, ये मेरा एक बीटा क्रमचय हो गया। तो यहाँ पर जो क्रमचय रहेंगे, यहाँ पर सेट दिस इज आईडेंटिटी एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट आई ऑफ ए, फिर अल्फा, फिर बीटा, और मान लीजिए बाद वाले जो अपने पास थे देट विल बी म्यू वन, म्यू टू एंड म्यू थ्री नाम दे देते हैं क्रमचय का। तो ये आपके पास यहाँ पर सॉरी क्रमचयों का समुच्चय रहेगा। तो इन क्रमचयों के अंदर चूंकि हमने देखा कि क्रमचय एक फलन ही है सेट ए के ऊपर परिभाषित या सेट एस के ऊपर परिभाषित, जो कि एकिक और आच्छादक है, और एक सेट के ऊपर टोटल फैक्टोरियल एन, अगर सेट के अंदर एन अवयव है तो फैक्टोरियल एन क्रमचय परिभाषित किए जा सकते हैं, टोटल फैक्टोरियल एन फलन परिभाषित किए जा सकते हैं जो एकिक और आच्छादक हो। तो आप जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्रमचय है एफ, और एफ क्रमचय के अंदर मैं सेट एस में ये एलिमेंट ले लेता हूँ एक बार
एक दो तीन चार, इतना सफिशियंट है। और इसको मैं इस तरह से लिख दूं, 1 2 3 4, 3 2 1 4, तो ये मेरे क्रम से आ गया। एक दूसरा क्रम से और ले लेते हैं अपन, जी डिफाइन कर देते हैं, 1 2 3 4, और 1 की इमेज ले लेते हैं, 4 2 की 3, 3 की इमेज 1 एंड 4 की इमेज 2। ये एक दूसरा क्रम से जो सेट एस के ऊपर डिफाइन किए हुए हैं। तो चूंकि एफ हम कह रहे हैं कि क्रम से है और एफ और जी दोनों ही फलन है, दोनों के दोनों आपके फंक्शंस हैं, और चूंकि फंक्शंस हैं तो फंक्शंस को आपस के अंदर फलनों का संयुक्त या कंपोजिट ऑफ फंक्शंस के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। तो या फलनों का जो जो क्रम से जो गुणा परिभाषित करेंगे अपन, क्रम से गुण, तो क्रम से गुण एफ जी, अगर एफ एक क्रम से लिया, जी दूसरा क्रम से लिया, तो क्रम से गुण होगा एफ जी, एंड एफ जी एक्चुअल के अंदर कुछ नहीं होगा, एफ ओ जी ही होगा। एफ ओ जी डिफाइन करने के लिए ये जो नया क्रम से जो आएगा ये कुछ इस तरह का सा आएगा, ऊपर एलिमेंट 1 2 3 और 4, नीचे यहां पर इसकी इमेज, तो एफ ओ जी ऑफ 1, एफ ओ जी ऑफ 2, यहां होगी एफ ओ जी ऑफ 3 एंड एफ ओ जी ऑफ 4, इनको इस तरह से अपन लिख देंगे। तो ये एक नया क्रम से आ गया। अब एफ ओ जी ऑफ 1 क्या होगा, तो एफ ओ जी ऑफ 1 हमें पता है कि ये होता है एफ जी ऑफ 1 एंड एफ जी 1, जी 1, जी 1 का मान कितना है, बस 1 की इमेज जी से 4 आ रही है, तो दैट इज एफ ऑफ 4, और एफ के अंदर 4 की इमेज 4 है, तो दैट इज 4। तो एफ ओ जी जो एफ जी क्रम से जिसको बोल रहे हैं अपन, उसके अंदर 1 की इमेज 4 हो जाएगी। इसी प्रकार एफ ओ जी 2 देखें अपन, तो इट विल बी एफ ऑफ जी 2 एंड दिस इज एफ जी 2 इज 3, सो दैट इज एफ 3 एंड एफ 3 इज 1। एफ के अंदर देख लेंगे ये 3 की इमेज क्या आएगी अपने पास। इसी प्रकार एफ ऑफ जी ऑफ 3 की बात करें तो इसका मान रहेगा एफ जी 3 एंड दिस इज एफ जी 3 इज 1 एंड 1 की इमेज अपने पास अगेन 3, सो एफ ओ जी 3 इज 3। इसी प्रकार एफ ओ जी 4 की इमेज देखेंगे तो एफ ऑफ जी 4 एंड जी 4 इज 2, 4 की इमेज 2 है जी के अंदर, तो एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 2 इज नथिंग बट द 2 इटसेल्फ, सो इट विल गिव अस 2। तो जो अपने पास एफ जी आएगा, ये जो यहाँ एफ जी डिफाइन किया है, सिंपलाइज एफ जी एक्चुअल में क्या रहेगा अपने पास, ऊपर 1 2 3 4, 1 की इमेज एफ ओ जी 1, तो एफ ओ जी 1 या कह दीजिए कि एफ जी के अंदर जो इमेज आएगी 1 की वो 4, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 3 और 4 की इमेज 2, दैट विल बी एफ जी। इसी प्रकार अगर अपन जी एफ निकालें तो जी एफ के केस के अंदर चेंज हो जाएगा आपका जी एफ, हम परिभाषित करेंगे फिर जी ऑफ एफ एंड वही रहेगा तरीका, 1 के नीचे जी ऑफ एफ 1, 2 की इमेज जी ऑफ एफ से 2 की क्या इमेज आ रही है, 3 की जी ऑफ एफ से 3 की इमेज क्या आ रही है, और 4 के नीचे जी ऑफ एफ से 4 की इमेज क्या आ रही है, वो जी ऑफ एफ के अंदर जी एफ के अंदर आ जाएगा। तो एफ जी की जब बात करते हैं तो उस केस के अंदर एफ ओ जी होगा, और जी ऑफ एफ की बात करेंगे तो उस केस के अंदर जी एफ का मान जी ऑफ एफ, जी का एफ पर फंक्शन, और एफ ओ जी और जी ऑफ एफ इन जनरल बराबर नहीं होते हैं, इसलिए
या जो कर्मचय का जो गुणा परिभाषित कर रहे हैं वो गुणा आपका कर्मचय कर्म विनिमय नहीं होगा, ये आपका अकर्म विनिमय होगा गुणा। तो अगर सेट एस है, इस सेट एस के ऊपर टोटल कर्म से अपन को पता है कि फैक्टोरियल चार डिफाइन कर सकते हैं, चॉइस कर्म से परिभाषित कर सकते हैं, और उनका जो सेट आएगा कर्मचों का जो सेट आएगा उन सेट के अंदर जो चॉइस कर्मचे अलग अलग आएंगे उनका आपस के अंदर जब गुणा करेंगे एलिमेंट्स का, कर्मचों का जो गुणा करेंगे वो गुणा आपका कर्मनिता का पालन नहीं करेंगे। तो अपन ये देखा कि जो सेट आया किसी सेट ए के ऊपर परिभाषित करते हैं कर्म से, अगर मेन सेट में ए ले लूं और ए के ऊपर परिभाषित सभी कर्मचों का समुच्चय को अगर एस ए से नोट करूं, ऐसे क्या है ए पर परिभाषित सभी कर्मचों का समुच्चय, अगर एस ए है आपका तो उस केस के अंदर एस ए के अंदर जितने फलन एकिक आसाधक ए से ए के ऊपर परिभाषित है उनको लिखेंगे और उनसे बनने वाला जो सेट है वो सेट आपका क्या समूह हो सकता है क्या? तो समूह के लिए अपन को क्या क्या चीज चाहिएगी कि एस ए जो आया कि अगर एफ एक कर्म से है आपका एस ए में से, जी भी एक कर्म से है एस ए का, तो पता है अपन को कि एफ जी भी एस ए में रहेगा। क्यों? कि अगर एफ आपका फलन है ए से ए में, जी भी फलन है ए से ए में, तब एफ ओ जी भी फलन होता है ए से ए में, और एफ ओ जी को ही अपन एफ जी कह रहे हैं। तो इसलिए जो एफ जी आ रहा है वो भी एक कर्म से आ रहा है। तो एफ अगर ऐसे का एलिमेंट है, जी ऐसे का एलिमेंट है, तब एफ जी भी ऐसे का एक एलिमेंट आएगा। और चूंकि एफ जी ऐसे का एलिमेंट है इसका मतलब यहां पर कर्मचयों के अंदर समुच्चय के अंदर जो कर्मचय गुणा की जो संक्रिया है वो एक द्विआधारिक संक्रिया है। अब देखते हैं कि क्या ये संक्रिया साचर्य नियम का पालन करती है क्या? साचर्यता अपन चेक करते हैं कि अगर तीन एलिमेंट ले लेते हैं, एक एफ ले लिया, एक जी ले लिया, एक एच ले लिया, एस मतलब एस ए के ऊपर अपन ने तीन कर्मचय परिभाषित किए थे वो उठा लिए, और इनका तीनों का गुणा की बात करें अपन एफ जी और एच, तो एफ जी एच इज नथिंग बट द एफ ओ जी ऑफ एच। मैं अगर इसकी बात करूं तो मेरे पास ये इस तरह से बनेगा, और जो फलनों का संयुक्त है वो साचर्य नियम का पालन करता है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एंड दिस इज नथिंग बट द एफ जी एंड एच, तो एफ इंटू जी एच इज इक्वल टू एफ जी इंटू एच। तो फलनों का संयुक्त जो कि साचर्य नियम का पालन करता है इसलिए कर्मचय गुणा भी साचर्य नियम का पालन करेगा। तो इस सेट एस ए के अंदर ये जो संक्रिया है ये संक्रिया साचर्य नियम का पालन कर रही है। तत्समक की बात करें आई ऑफ ए ऐसे में होगा हमेशा, और एफ इंटू आई ए इज इक्वल टू आई ए इंटू एफ इज इक्वल टू एफ रहेगा, क्योंकि एफ इंटू आई ए इज नथिंग बट द एफ ऑफ आई ए, और आई ए जो फलन है वो किसी एक्स की इमेज वापस एक्स ही देता है, इसलिए एफ ऑफ आई ए से एक्स की इमेज निकालो या एफ से डायरेक्ट एक्स की इमेज निकालो बराबर आएगी, इसलिए आई ए तत्समक का काम करेगा।
इस सेट एस के अंदर। एफ अगर एक कर्म से है, ऐसे का अपन बात कर रहे हैं कि एफ ऐसे का एक एलिमेंट है, तब एफ इनवर्स बी ऐसे में होगा। क्यों? कि एफ एक वन वन ओन टू फलन है। दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स बी वन वन और ओन टू होगा, इसलिए एफ इनवर्स बी ए से एम ही है और वन वन ऑन टू है, इसलिए एफ इनवर्स बी ऐसे में रहेगा। और एफ इनवर्स चूंकि ऐसे में रहेगा, अब मैं एफ के ऊपर एफ इनवर्स को मल्टीप्लाई करूं कर्म से का गुणा, तो एफ के ऊपर एफ इनवर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो यही होता है एफ ऑफ एफ इनवर्स। एंड एफ ऑफ एफ इनवर्स किसी फंक्शन पर उसी फंक्शन का अगर इनवर्स फंक्शन ऑपरेट कर दें तो वो आई ए के बराबर आता है। इसलिए कोई भी कर्म से अगर आपके पास एफ है तो एफ इनवर्स उसका प्रतिलोम का काम करेगा गुणा संक्रिया के लिए। तो जो सेट ऑफ ऐसे है, हमने एक सेट लिया एक ए पर परिभाषित होने वाले सभी कर्मचों का समुच्चय ऐसे, और ऐसे के अंदर अगर मैं ये बाइनरी ऑपरेशन लूं कि एफ ऐसे का वैल्यू है जी ऐसे का वैल्यू है, तो एफ जी भी ऐसे में होगा क्योंकि एफ जी इज नथिंग बट द एफ ओ जी। F11 है ओन टू है, G11 है ओन टू है, इसलिए एफ ओ जी भी 11 और ओन टू होता है। तो एफ जी को अपन कहते हैं कि एफ जी इज नथिंग बट द एफ ओ जी। तो फलनों का जो जो संयुक्त है वही हमारे पास यहाँ कर्मचय का गुणा है। तो इस कर्मचय गुणा संक्रिया के लिए ये हमारा जो सेट है ऐसे, ये सेट अपने आप में एक समूह रहेगा, और इस सेट के अंदर जो तत्समक कर्मचय है वही हमारा एक तत्समक अवयव का काम करेगा। और कोई भी फलन एफ या कोई भी कर्मचय एफ लेते हैं और उस फलन एफ का जो इनवर्स फलन फलन डिफाइन होगा एफ इनवर्स, वो फंक्शन एफ के लिए प्रतिलोम अवयव का काम करेगा। तो यहां जो सेट आ गया एस ए जिसके अंदर एस ए सेट आ गया, और इस सेट के अंदर हमने कहा कि इस तरह का एलिमेंट्स है एफ जी एच, जितने भी एलिमेंट्स हैं जितने ए के अंदर एलिमेंट है उनका फैक्टोरियल ले लेंगे तो ये एलिमेंट रहेगा। इस सेट के अंदर आई ए आपका तत्सम का काम करेगा, एफ के लिए एफ इनवर्स, अगर एफ फलन है तो एफ इनवर्स ही फलन होता है, ए से ए में है एफ वन वन ऑन टू है एफ इनवर्स वन वन ऑन टू है, तो एफ प्रत्येक एफ के लिए एफ इनवर्स भी ऐसे में मिलेगा, इसलिए ऐसे आपका एक ग्रुप रहेगा। और यहां हम देखेंगे कि इस ऐसे सेट का आगे स्टडी करेंगे अपन, इस ऐसे सेट के अंदर दो टाइप के परमुटेशन होंगे, कुछ परमुटेशंस इवन परमुटेशंस होंगे और कुछ परमुटेशंस ऑड परमुटेशंस होंगे। जो इवन परमुटेशन का सेट है वो अगेन इसका एक सब ग्रुप होगा, तो उसको अपन अगले वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। धन्यवाद।